अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद विरोधी माओवाद विरोधी अभियान के दौरान अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एवं अपने प्राणों की सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल सदस्यों के परिवारजनों को वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित करें। सबसे पहले 12 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के करण नगर क्षेत्र में आतंकवादियों ने 23 बटालियन मुख्यालय में फिदाइन हमला करने का प्रयास किया। सीआरपीएफ ने आतंकवादियों के इस हमले को नाकाम करते हुए संदिग्ध क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाकर जैसे मोहम्मद के दो दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया। 36 घंटे तक चले इस मुठभेड़ में सिपाही मुजाहिद खान अंतिम सांस तक लड़े और अंततः राष्ट्र रक्षा के पावन पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगी शहीद मुजाहिद खान की माताजी श्रीमती हाजीबा खातून। इस भीषण मुठभेड़ में श्री लोकराम इबोमचा सिंह सहायक कमांडेंट ने विषम परिस्थितियों में बेहतरीन नेतृत्व का प्रदर्शन किया जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री एल इबोमचा सिंह। इस अभियान में नॉर्थ रेंज की बेटी और वैली की बेटी की टीम ने श्री नरेश कुमार श्री रवि शर्मा एवं श्री एवी थॉमस सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में बेहतरीन टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए अत्यंत ही घनी आबादी वाली क्षेत्र में बिना किसी आम जनता को नुकसान पहुंचाए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री नरेश कुमार। श्री रवि शर्मा फर्स्ट बार 2 PMG। पदक प्राप्त करेंगे श्री नरेश कुमार सहायक कमांडेंट। लगातार चौथी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते श्री नरेश कुमार। पदक प्राप्त करेंगे श्री एवी थॉमस सहायक कमांडेंट। आप इस अभियान में नॉर्थ रेंज की बेटी के कमांडर थे और आतंकवादियों को मुठभेड़ के दौरान उस क्षेत्र में घेरे रखना और उसको मार गिराने में अपना बेहतरीन योगदान दिया। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही बुद्धि सिंह। दूसरी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते सिपाही बुद्धि सिंह वैली क्वेटी के रूम इंटरवेंशन टीम के अत्यंत ही महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं और आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन्होंने अपनी हिट टीम के साथ कई आतंकवादियों का सफाया किया है। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही रंजन कुमार। सिपाही रंजन कुमार को कम दूरी से CGRL फायर करने में महारत हासिल है और इस अभियान में इन्होंने महज 40 मीटर की दूरी से CGRL फायर किया था और अत्यंत ही सुरक्षित तरीके से सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया जिसके लिए इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। सिपाही रंजन कुमार।
पदक प्राप्त करेंगे सिपाही देवसंत कुमार। सिपाही देवसंत कुमार हिट टीम के सबसे आगे चलने वाले सदस्य रहे हैं और लेवल 4 बुलेट प्रूफ सीट को लेकर अपने हाथों में हमेशा हाउस इंटरवेंशन के दौरान सबसे आगे रहते हैं, जिसके लिए इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे हवलदार संतराम सिंह। हिट टीम के सदस्य हवलदार संतराम इस अभियान में अत्यंत ही वीरता से आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए दोनों आतंकवादियों को मारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिनांक 7 जून 2018 को झारखंड के खूंटी, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले की सीमावर्ती जंगल में काफी संख्या में माओवादियों के इकट्ठा होने की पुख्ता सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए 209 कोबरा की टीम ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान चलाया। अभियान दल में स्काउट की जिम्मेवारी निभा रहे सिपाही उत्पल राभा ने एक ऊंची पहाड़ी पर माओवादियों के साथ आमने सामने के मुकाबले में अदम्य साहस और बहादुरी से लड़ते हुए माओवादियों के मोर्चे को तबाह कर दिया। तभी एक गोली उत्पल राभा के कंधे में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सिपाही उत्पल राभा अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से माओवादियों पर लगातार हमला करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और अनुकरणीय वीरता हेतु इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगी शहीद सिपाही उत्पल राभा की माता जी श्रीमती बखुना राभा। दिनांक 25 जून 2016 को कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों ने 161वीं वाहिनी के कानवाय पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में कानवाय सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सिपाही वीर सिंह और सिपाही सतीश चंद ने भीषण गोलीबारी के बीच अपने प्राण की परवाह किए बगैर आतंकवादियों पर प्रत्युत्तर हमला करते हुए बल को भारी नुकसान से बता लिया। दोनों अंतिम सांस तक लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके अदम्य साहस और अतुलनीय पराक्रम हेतु इन्हें मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगी सिपाही शहीद वीर सिंह की पत्नी श्रीमती प्रीति देवी। पदक प्राप्त करेंगी शहीद सतीश चंद की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी। सितंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने पर 92 बटालियन सीआरपीएफ ने हवलदार श्याम नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में सघन तलाशी अभियान चलाकर लश्कर ए तोयबा के दो आतंकवादियों को मार गिराया। इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और अतुलनीय शौर्य के प्रदर्शन हेतु इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
पदक प्राप्त करेंगी शहीद श्याम नारायण सिंह यादव की धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिला देवी। बाद में 1 मार्च 2019 को कुपवाड़ा के करालगुंड क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हवलदार श्याम नारायण सिंह यादव राष्ट्र रक्षा के पुनीत पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जिसके लिए इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। बारह मार्च 2018 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के 183 बटालियन सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर चिनार बाग क्षेत्र में 3 दुर्दांत आतंकवादियों को घेर लिया। इस अभियान में सिपाही मनदीप कुमार बहादुरी से लड़ते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंचकर एक आतंकवादी को मार गिराया। तभी दूसरी ओर छिपे आतंकवादियों ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सिपाही मनदीप कुमार अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। इनके अदम्य साहस और अतुलनीय पराक्रम हेतु इन्हें मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही मनदीप कुमार के पिताजी श्री नानक चंद। दिनांक 22 सितंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तराल में जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के साथ मुठभेड़ में 180 बटालियन के सिपाही महेश कुमार मीणा ने बहादुरी से लड़ते हुए एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इनके अदम्य साहस और अनुकरणीय वीरता हेतु इन्हें पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगी सिपाही महेश कुमार मीना की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज देवी। बाद में सिपाही महेश कुमार मीना 5 जनवरी 2019 को तराल क्षेत्र में एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। तेईस सितंबर 2017 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में फिदाइन हमले के उद्देश्य से छिपे आतंकवादियों की पुख्ता सूचना मिलने पर 53 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री विनय कुमार तिवारी के नेतृत्व में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करते हुए भीषण गोलीबारी के बीच जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। इस अभियान में इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और अतुलनीय पराक्रम हेतु वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे श्री विनय कुमार तिवारी कमांडेंट। श्री प्रवीण शंकर सहायक कमांडेंट। सिपाही थोराट वैभव शंकर। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही दिनेश। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही रविंद्र पासवान।
दिनांक 24 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के तराल क्षेत्र में जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के कमांडर की मौजूदगी की सूचना मिलने पर 180 बटालियन सीआरपीएफ ने श्री राजेश कुमार कमांडेंट के नेतृत्व में अभियान चलाकर एक भीषण मुठभेड़ में A++ कैटेगरी के 4 दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इस अभियान में इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और अनुकरणीय नेतृत्व हेतु इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे श्री राजेश कुमार कमांडेंट। लगातार तीसरी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते श्री राजेश कुमार। श्री राजेंद्र नाथ मल्लिक सहायक कमांडेंट। लगातार तीसरी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते श्री राजेंद्र नाथ मल्लिक सहायक कमांडेंट। श्री राजेश कुमार बरनेला सहायक कमांडेंट। लगातार दूसरी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते श्री राजेश कुमार बरनेला। पदक प्राप्त करेंगे सेवानिवृत्त हवलदार विप्लव विश्वास। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही श्रीनिवास लूपी। दस जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया। 11 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के रेडबुक क्षेत्र में वैली क्यूएटी श्रीनगर के कमांडर श्री नरेश कुमार एवं श्री रवि शर्मा के नेतृत्व में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और अतुलनीय पराक्रम हेतु इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे श्री रवि शर्मा सहायक कमांडेंट। लगातार दूसरी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते श्री रवि शर्मा सहायक कमांडेंट। पदक प्राप्त करेंगे श्री नरेश कुमार सहायक कमांडेंट। 5वीं बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होने का गौरव मिला है श्री नरेश कुमार को। श्रीनगर घाटी में वैली क्यूएटी ने अनेकों आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 50 से अधिक आतंकवादियों का सफाया किया है और इस टीम के कमांडर श्री नरेश कुमार और इनके बड़ी सिपाही बुद्धि सिंह सेकेंड बार ऑफ PMG लगातार तीसरी बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित होते सिपाही बुद्धि सिंह। पदक प्राप्त करेंगे सिपाही राहुल सिंह। और अब प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस प्राप्त करेंगे श्री RNS बहद महानिरीक्षक।
श्री एम एस शेखावत उप महानिरीक्षक, श्री बलविंदर सिंह गुजराल उप महानिरीक्षक, श्री गिरीश कुमार उप महानिरीक्षक, गणतंत्र दिवस 2019 के उपरांत स्वतंत्रता दिवस 2019 को घोषित प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्राप्त करेंगे डॉक्टर टी सेकर महानिरीक्षक। श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी उप महानिरीक्षक, श्री सुनील जून उप महानिरीक्षक, श्री बी रघु सहायक कमांडेंट, और अब देश के अलग अलग भागों में तैनात अलग अलग थिएटर में सर्वश्रेष्ठ सीआरपीएफ बटालियन की सबसे पहले उत्तर पूर्वी परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है। 171 बटालियन को ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री प्रद्युमन कुमार सिंह कमांडेंट 171 बटालियन। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सर्वश्रेष्ठ सीआरपीएफ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है। 168 बटालियन को ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं 168 बटालियन के कमांडेंट श्री विकास पांडे। 168 बटालियन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तैनात है और अपने माओवाद विरोधी अभियान हेतु अत्यंत ही प्रसिद्ध है, और आज कमांडेंट महोदय को बेस्ट बटालियन की ट्रॉफी। जम्मू कश्मीर परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है। 178 बटालियन को ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं 178 बटालियन के कमांडेंट श्री सुजीत कुमार। सर्वश्रेष्ठ कोबरा की ट्रॉफी दी जा रही है 204 कोबरा को ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं
204 कोबरा के कमांडेंट श्री प्रेम सिंह, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी दी जा रही है आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू को। ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं श्री अरुण कुमार, महानिरीक्षक आंतरिक सुरक्षा अकादमी। देश के सबसे पुराने प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में है और आज वहां के निदेशक श्री अरुण कुमार मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं। और अब सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी दी जा रही है संयुक्त रूप से ग्रुप केंद्र दुर्गापुर और ग्रुप केंद्र पिंजौर को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे ग्रुप केंद्र दुर्गापुर और पिंजौर के महानिरीक्षक उप महानिरीक्षक श्री देवव्रत भट्टाचार्य एवं श्री सुनील थोरेप। संयुक्त रूप से बेस्ट जीसी की ट्रॉफी जीसी पिंजौर और जीसी दुर्गापुर को। धन्यवाद महोदय। इसी के साथ पदक अलंकरण एवं ट्रॉफी वितरण की कार्रवाई समाप्त होती है और अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर अपने आशीर्वचन से मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय।